हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड MBBS स्टूडेंट है। आज हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी के पेपर 3 का, ठीक है, 2015 का है। 4 का भी आज हम लोग पूरा डिस्कस एक ही वीडियो में कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। विच नर्व मे बी पल्पेटेड एट नेक ऑफ द फिबुला। फिबुला जो है, फिबुला बोन के नेक पर कौन नर्व को हम लोग को पल्पेट करते हैं, तो कॉमन पेरिनियल नर्व को हम लोग पल्पेट करते हैं। और इसका हम डायग्राम डाले हुए हैं इंस्टाग्राम पे, सबसे नीचे में लिंक होगा। ऊपर में तो सोशल वर्क वाला लिंक होगा, लेकिन नीचे में आपका MBBS वाला इंस्टाग्राम मेडिको हेल्प करके मिल जाएगा। ट्यूनिका वेजाइनलिस इज फाउंड ओवर, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनलिस कहाँ होता है आपका, टेस्टिस पे होता है। वेजाइनलिस देखकर आदमी वेजाइना और इधर उधर मार देता है, लेकिन ट्यूनिका वेजाइनलिस आपका टेस्टिस में होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन भी है, आप वहाँ जाके इंस्टाग्राम पे इसको भी देख सकते हैं, फिगर इसका भी सबका हम डालते हैं लगभग। डीप पेरिनियल नर्व इज ब्रांच ऑफ, डीप पेरिनियल नर्व का जो ब्रांच है किसका ब्रांच है, तो कॉमन पेरिनियल नर्व का, ठीक है। जो कॉमन पेरिनियल नर्व का जो रूट वैल्यू है L4 से S2 तक है, लेकिन जो डीप का है L4 से L5, L4 L5 है। और यहाँ L4 L5 फिर S1 और S2, ये सब है आपका कॉमन पेरिनियल का रूट वैल्यू, ठीक है। ये डिफरेंस है डीप में और कॉमन में, नहीं कॉमन का ही ब्रांच है डीप, ठीक है। बल्बोयूथरल ग्लैंड जो है ओपन इन, बल्बोयूथरल ग्लैंड ओपन होता है आपका मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा में, ठीक ना, मेम्ब्रेनस पार्ट। और ये बल्बोयूथरल ग्लैंड जो होता है कि नहीं, ये होता है पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन में होता है, सॉरी बोलते नहीं है, होता है। और इसको कॉपर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। बल्बोयूथरल ग्लैंड को, बल्बोयूथरल ग्लैंड को हम लोग कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन में होता है, और ये खुलता किस में है, मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा में, ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट मेल यूरेथ्रा में। टिबियलिस पोस्टेरियर इज इंसर्टेड एट, टिबियलिस पोस्टेरियर कहाँ इंसर्ट होता है, तो वो होता है नेविकुलर में, नेविकुलर बोन है, नेविकुलर टिबियलिस पोस्टेरियर जो इंसर्ट होता है नेविकुलर बोन में, बोट शेप होता है, ठीक है। इसका है ग्रेसिलस मसल इज सप्लाइड बाई, ग्रेसिलस मसल को कौन नर्व सप्लाई करता है, तो ऑब्चुरेटर नर्व, जो लंबर प्लेक्सिस का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सिस। ऑब्चुरेटर नर्व किसको सप्लाई करता है, ग्रेसिलस मसल को, और लंबर प्लेक्सिस का जो ब्रांच है ऑब्चुरेटर नर्व। और इसका रूट वैल्यू है लंबर प्लेक्सिस का L2 to L4, मैंने L3 L2 और L4, ये चार तीन हो गए। अब है सुरल नर्व, रन एलोंग करता है आपका वो तो शॉर्ट सेफनस वेन के साथ, लॉन्ग सेफनस वेन होता है, शॉर्ट सेफनस वेन होता है, इसका भी पिक्चर हम डाले हुए हैं, आप देखिएगा तब सुरल नर्व कहाँ है ये सब पता आपको चलेगा, ठीक है। आगे है आपका 2 क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं, फिर अगला ईयर का हम लोग बात करेंगे। ऑल स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द डीप इंग्वाइलन रिंग, ठीक है। कौन कौन स्ट्रक्चर डीप इंग्वाइलन रिंग से पास करता है, लेकिन एक्सेप्ट खोजना है, कौन नहीं करता है वो हम लोग को खोजना है, ठीक है। टेस्टिकुलर आर्टरी पास करता है, टेस्टिकुलर आर्टरी पास करता है। और ये है क्रिमेस्टिक आर्टरी पास करता है, इलियोइंगुअल नर्व जो है नहीं पास करता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट में आंसर यही होगा, जेनाइटो फ्यूमोरल नर्व पास करता है, ठीक है। इसका भी हम फिगर डाले हुए हैं। इन्फीरियर इपिगास्टिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ, इन्फीरियर इपिगास्टिक जो है कि नहीं वो ब्रांच है आपका एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के, ठीक है। इन्फीरियर इपिगास्टिक आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का ही ब्रांच है। लास्ट है बट नॉट लिस्ट, द ओरिजिन ऑफ विच आर्टरी इज ओवरलैप बाई पेनक्रियाज, ओरिजिन जो है आर्टरी का, ओरिजिन ऑफ विच आर्टरी इज ओवरलैप बाई पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज के वो होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का, यही पेनक्रियाज में ओवरलैप करता है, ओरिजिन ऑफ आर्टरी ओवरलैप बाई पेनक्रियाज और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो पेनक्रियाज को सप्लाई भी करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे पेपर 4 का, ठीक है। MCQ ही बात करेंगे, अभी बाद में हम लोग चर्चा अलग से करेंगे आपका लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। लेसर ओमेंटम,
कंटेन, लेसर मोमेंटम में क्या क्या होता है? लेसर मोमेंटम ये होता है वेंट्रल मेसेंट्री, ठीक है, वेंट्रल मेसेंट्री भी बोलते हैं इसको, एंड हेपेटिक आर्टरी होता है, कॉमन बाइल डक्ट होता है CBD, ठीक है, लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल होते हैं, नर्व होते हैं, और ऑप्शन में कौन है तो ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी होता है, ठीक है, तो सॉरी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये सब लेसर ओमेंटम में होता है। लेसर ओमेंटम मेजर ओमेंटम जाके ये फिगर में देखिए, स्टमक से के पास होगा ये, इन्फीरियर सुप्रारिनल आर्टरी जो है इज ए ब्रांच ऑफ, इन्फीरियर सुप्रारिनल आर्टरी ब्रांच है किसका? आपका ये रेनल आर्टरी का, ठीक है, और ये जान लीजिए 66% केस में एराइज होता है एरोटा से, लेकिन कुछ माने 40 से कम ही मान के चलिए, कम क्या 36% जो वो होता है रेनल आर्टरी से एराइज होता है, नहीं तो एरोटा से एराइज होता है। वेंट्रल लेवल ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा का टर्मिनेशन कहाँ होता है? वर्टिब्रल वेंट्रल लेवल हम बोल दिए, वर्टिब्रल लेवल पूछ रहा है, वर्टिब्रल लेवल, ठीक है, तो कौन? फोर्थ वर्टिब्रल लेवल पे। स्टार्ट कहाँ से होता है? T12 से स्टार्ट होता है और L4 पे जाके इंड होता है, टर्मिनेट करता है, जो 13 सेंटीमीटर का एब्डोमिनल एरोटा होता है। आगे हम लोग बात करेंगे इन स्टोमक गैस्ट्रिक कैनाल परजेंटिन, गैस्ट्रिक कैनाल लेसर कर्वेचर पर, एक ग्रेटर कर्वेचर होता है स्टोमक का, एक लेसर कर्वेचर होता है, तो स्टोमक का आपका लेसर कर्वेचर के इन स्टोमक गैस्ट्रिक कैनाल जो होता है लेसर कर्वेचर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन्फीरियर रेक्टल वेन ड्रेन इन, इंटीरियर रेक्टल वेन कहाँ ड्रेन होता है? ऐसे तो इंटीरियर रेक्टल वेन इंटीरियर पुडेंडल वेन में ड्रेन होता है, लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं है तो इसके आगे वाला आपका इंटरनल इलियक वेन बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल इलियक में ही ये सब ड्रेन होते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे रूट ऑफ मेसेंट्री, मेसेंट्री कंटेन आपका है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, रूट जो है मेसेंट्री का कंटेन करता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का। अब है सुपीरियर वेसिकल, वेसिकल आर्टरी इज रेमिनेंट ऑफ, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी किसका रेमिनेंट है? तो वो है आपका अम्बिलिकल आर्टरी का, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी किसका रेमिनेंट है? अम्बिलिकल आर्टरी का। अब है पुडेंडल कैनाल कंटेन, पुडेंडल कैनाल क्या कंटेन करता है? तो इसको और भी नाम दिया जाता है एलकॉक्स कैनाल। एलकॉक्स कैनाल जो है इसमें क्या क्या होता है? इंटरनल पुडेंडल आर्टरी होता है, इंटरनल पुडेंडल वेन होता है और पुडेंडल नर्व होता है, ठीक है, तो इंटरनल ही आर्टरी और वेन होता है और पुडेंडल नर्व होता है। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, पीछे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, इसमें आंसर ये होगा क्या आपका? इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और इंटरनल पुडेंडल वेन, आंसर ये 3 होगा। और आगे हम लोग बात करेंगे इलिवेशन ऑफ ट्राइगोन, ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज, ठीक है, तो इलिवेशन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्वा व्हीकल, वल्वा वेसिकाई, ठीक है, वल्वा वेसिकाई इलिवेशन होता है ट्राइगोन में यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, ये मेल में ज़्यादा होता है और दूसरी बात कि ये ओल्ड एज में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिससे मतलब मैचुरेशन में आपको प्रॉब्लम भी होने लगता है। नॉर्मल एंगल ऑफ इंटरवर्सन एंगल, ठीक है, इंटरवर्सन एंगल यूटेरस का जो होता है 90 डिग्री होता है, और एक्सटेंसर फ्लेक्सर एक एंगल होता है, एंटे फ्लेक्सर ऑफ यूटेरस वो 170 डिग्री होता है, 170 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, स्लाइटली मोर होता है 90 डिग्री से, लेकिन मान के चले 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।